आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है, यानी कि आपको एमटीएस की भी वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है, तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन फिल कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन फिल करने होंगे। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इनकम टैक्स की विभाग से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि आयकर विभाग की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है एमटीएस इंस्पेक्टर, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। इस भर्ती जो सबसे बड़ी बात होगी, बिना किसी लिखित परीक्षा के यहाँ पर भर्ती होने वाली है, यानी कोई रिटन एग्जाम भी आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे, कितने यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी केवल एक वैकेंसी के लिए, कौन सी वैकेंसी होगी उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। जो हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट और दौड़ होगी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी प्रकार का कोई रनिंग टेस्ट भी आपको इस भर्ती के लिए नहीं होगा। अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड को होना बेहद जरूरी है। पोस्ट नेम जो रहेगा, टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होगी, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। टैक्स इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी होगी 28 वैकेंसी होगी, टैक्स असिस्टेंट के लिए भी 28 वैकेंसी होगी, और जो 16 वैकेंसी होगी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए आपको यहाँ पर 16 वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एकदम सेंटर जॉब करेगा, ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर वेतन दिया जाएगा आपको, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ और टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी होगी 5200 लेकर 20200 रुपये पर मंथ तक आपको वेतन दिया जाएगा, और जो अदर वैकेंसी रहेगी यानी कि जो टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी उसके लिए 9300 लेकर 34800 रुपये पर मंथ तक आपको वेतन दिया जाएगा, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 से 33, एसएससी कैंडिडेट के लिए 18 से 35। जो एज काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2022 तक की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल को आपकी जनरल 18 से कम होने 30 से ज़्यादा हो। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएससी वालों को 5 रुपये दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में को पहले ही बता चुका हूँ, जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका फेक पे या गलत पाया जाता है, तो आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई
कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्पोर्ट ट्रायल होगी, उसके बाद से आपका यहाँ फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 12 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2023 तक आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको यहां पर प्रोवाइड करा देंगे। ये फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहां से डाउनलोड करना होगा। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर दिया गया है। आप यहां से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। तो हमें करना नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आपको यहां पर वैकेंसी के बारे में बताया, कौन सी वे पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर डिग्री होना अनिवार्य है। जो टेक्स असिस्टेंट की वैकेंसी उसके लिए भी यहाँ पर डिग्री होना अनिवार्य है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी होगी उसमें सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आयकर विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्पोर्ट पर्सन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में फिल कर पाएंगे। वैसे आपको यहाँ पर सभी के सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।